तो कुछ कुछ यही कहानी झारखंड में भी देखने को मिल रही है। बोकारो में डुमरी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए की यशोदा देवी और यूपीए की बेबी देवी ने नामांकन दाखिल किया है। इसी कड़ी में पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था। यूपी और एनडीए के बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर झामुमो की प्रत्याशी के तौर पर सूबे की मंत्री बेबी देवी ने तो आसू के प्रत्याशी के तौर पर यशोदा देवी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पर्चा के भरने के बाद गठबंधन उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपलब्धियों को गिनाया तो दूसरी तरफ आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार कमजोर नींव पर खड़ी है। यह सरकार अपने निकम्मेपन को भी दिखा रही है और साबित कर रही है। राज्य सचिव माननीय बेईमानों की नजरों से इस राज्य को बचाना है। आज जो विपक्ष में आजसू का कैंडिडेट खड़ा है, ये आजसू का कैंडिडेट नहीं है, ये एनडीए का कैंडिडेट है। इनके शकल के पीछे, इनके पर्दे के पीछे इतने बड़े बड़े चेहरे वाले, इतने भयानक और डरावने करतूत करने वाले लोगों का जमावड़ा है। अगर वो उसको आगे बढ़ाने का आप लोग काम किए तो फिर आपको यहां कोई बचा पाएगा, इसकी गारंटी मैंने।